हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ हिलाल खान और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कोडिंग विद हिलाल। फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि HTML क्या है और ये हमारे पास किस जगह पे यूज़ होती है। HTML को लिखने के लिए सबसे पहले आप लोग के पास एक कोड एडिटर होना चाहिए। आप लोग नोट पैड इस्तेमाल कर सकते हैं, नोट पैड प्लस प्लस इस्तेमाल कर सकते हैं, सबलाइम हो या विजुअल स्टूडियो हो, इन चार सॉफ्टवेयर में से आपके पास जौन से भी हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास सबलाइम है, मैं अपने कोड को एडिट करने के लिए सबलाइम यूज़ करता हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि HTML होता क्या है। HTML असल में हमारे पास एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये हमारे पास एक लैंग्वेज है जिसमें हम किसी भी वेबसाइट की आउटर सरफेस को, यानी कि जिसको हम फ्रंट एंड कहते हैं, वो डिज़ाइन करते हैं कि लेट सपोज हमारी वेबसाइट किस तरह दिखाई देगी, हमारे पास यूज़र उसको किस तरह देखेंगे, ये सारा का सारा प्रोसेस हम HTML में करते हैं। आप लोग जब कभी भी गूगल क्रोम में सर्च करते हैं तो आपके पास एक वेबसाइट को आप लोग सर्च करें तो आपके पास उसका एक फ्रंट एंड आ जाता है जहाँ पे बटन्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, ये सब कुछ हम HTML में करते हैं। HTML को लिखने के लिए बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह इसका भी कुछ अपना बेसिक सिंटैक्स है। अभी मैं अपना कोड एडिटर सबलाइम ओपन कर देता हूँ। मेरे पास पहले से एक फॉर्म पड़ा था, उसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ। आप जब इसको ओपन करेंगे सबलाइम को तो आपको ये कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। ये शो होने के बाद आपके पास आपने इसको पहले सेव करना है। सेव कैसे करेंगे, यहाँ पे फाइल पे आएंगे, फाइल पे सेव कर लेंगे और मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे चला गया। डेस्कटॉप पे मैं यहाँ पे इसको एक नेम दे देता हूँ, index.html। index.html इसलिए दिया है क्योंकि आपके पास जितने भी वेबसाइटेड हैं, जितने भी आपके पास पेजेस है, वेब पेजेस है या वेबसाइट है, उनका फ्रंट पेज जो होता है वो हम इंडेक्स से लेते हैं। अगर आप लोग इंडेक्स के बजाय कोई और नेम लेते हैं तो आप जब इसको लॉन्च करेंगे तो आपने फिर उस नेम को लिखना होगा, मगर जब आप इंडेक्स लिखते हैं तो आपके पास वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स को ही फ्रंट पेज पे शो कर देता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे .html लिखते हैं। .html लिखने का मकसद ये है ताकि आपके वेब ब्राउज़र को पता चले कि ये कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, क्योंकि किसी भी वेब को डिज़ाइन करने के लिए आपके पास HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, jQuery, PHP और डेटाबेस MySQL का यूज़ होता है। आपने इसके साथ इंडेक्स के साथ .html इसलिए लगाया ताकि आपके वेब ब्राउज़र को पता चले कि ये हमारे पास एक HTML फाइल है। तो इसको आप लोग सेव कर लेंगे। जब आप इसको सेव करेंगे तो अगर मैं डेस्कटॉप पे आ जाऊँ तो ये देखिए मेरे पास एक आइकन यहाँ पे गूगल क्रोम का शो हो गया जिसके साथ इंडेक्स लिखा है। अगर इसको मैं भी ओपन करूँ तो देखें यहाँ पे क्या शो हो रहा है, index.html। आपके पास ये index.html शो हो रहा है, ठीक है, मगर इसमें भी कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने कुछ कोड किया ही नहीं है। अब लेट सपोज अगर मैं चाहूँ कि मैं इसमें कुछ चीज़ हो या किसी चीज़ को मैं आउटर फेस पे लाना चाहूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, HTML का बेसिक सिंटैक्स फॉलो करना पड़ेगा। HTML का बेसिक सिंटैक्स फॉलो करने के लिए आप लोग यहाँ पे लिख देंगे HTML। ये लिखने के बाद आप लोग कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो आपके पास HTML का टैग ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके साथ ऑटोमेटिकली ये पूरा का पूरा सिंटैक्स आ जाएगा, क्योंकि ये सब लाइम है, ये हमारे पास एक अपडेटेड वर्जन है टेक्स्ट एडिटर का, इसलिए ये बिल्ट इन इसमें आते हैं। अगर आप लोग नोट पैड इस्तेमाल करते हैं या आप लोग नोट पैड प्लस प्लस इस्तेमाल करते हैं तो आपने उसमें पूरा का पूरा कोड खुद लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से मैं इस मीटर को हटा लेता हूँ क्योंकि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल, इसको मैंने हटा दिया। अब अगर मैं इसको देखूँ डॉक टाइप HTML, तो ये डॉक टाइप HTML हमारे पास इसलिए यूज़ होती है ताकि आपके पास जो वेब पेज है उसे पता चले कि ये कौन सी वर्जन ऑफ HTML को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि HTML को अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास है HTML 5।
अगर आप इसके साथ डॉक टाइप नहीं लगाएंगे, और लेट सपोज आपने नीचे कोडिंग में HTML3 की कोई कोड को लिख दिया है, तो आपके पास वो काम नहीं करेगा। जब आप इसके साथ डॉक टाइप लगाएंगे तो आप जिस वर्जन की कोड भी करेंगे वो नीचे से ऑटोमेटिकली उसको पिकअप करना शुरू करेगा। फिर हमारे पास HTML आता है, इसका ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है। हमारे पास हेड भी है, इसकी ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है। टाइटल है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। बॉडी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। याद रहे, जिसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो उसको हम पेयर टैग कहते हैं। अब हमारे पास जो ये हेड वाला पोर्शन है, इसमें हम सारी लिंकिंग करते हैं, यानी कि हमने अपने इस HTML फाइल के साथ किसी दूसरी फाइल को अटैच करना है तो वो हम हेड टैग में करते हैं। और फिर हमारे पास ये जो टाइटल आता है, ये टाइटल असल में, जैसे कि यहाँ पे मुझे index.html शो हो रहा है, ये असल में आपके वेब का नेम होता है। अगर यहाँ पे मैं लिखूं लेक्चर #1 और इसको सेव करूं, याद रहे जब भी आप कोई नई अमेंडमेंट करते हैं अपने टेक्स्ट में तो आपने उसको जरूर सेव करना होगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे अभी भी index.html है। ये क्यों है? क्योंकि मैंने अपने पेज को रिलोड नहीं किया है। मैं भी अपने पेज को रिलोड करूंगा तो ये देखिए मेरे पास आ गया है लेक्चर #1 जो कि मैंने अपनी टाइटल में दिया था। इसके बाद आप अगर चाहें यहाँ पे कुछ प्रिंट कराना चाहें तो आपके लिए उसके लिए आपके पास मुख्तलिफ किस्म के टैग्स हैं, जिसके हेड टैग्स हैं एंड पैराग्राफ टैग भी है आपके पास। हेड टैग्स में आपके पास सीरीज 1 से शुरू होकर 6 पे एंड होती है। H1 का साइज जो है वो सबसे बड़ा है, H2 का फिर H1 से थोड़ा कम, और इस तरह चलते चलते H6 का साइज सबसे छोटा है। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ H1, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इसकी खुद ब खुद आ जाएगी। लेट सपोज को मैं लिख देता हूँ हेडिंग #1 और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ #2 #3 #4 एंड लास्ट वन #5 #6। मैं चाह रहा था कि H5 तक कर लूँ, मगर फिर सोचा कि चलो H6 से ही चले जाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे इस हेडिंग को कॉपी करूँ, पेस्ट करूँ, और ये 1 है, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5 एंड दिस वन इज 6। अगर इसको मैं सेव कर दूँ और अपने वेब पेज में आ जाऊँ और इसको रिलोड करूँ तो आप लोग देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की हेडिंग्स आप लोग के पास शो हो गई है। जैसे कि मैंने बताया कि H1 का जो हेडिंग साइज है वो सबसे बड़ा है, H2 का फिर और H6 का सबसे छोटा है। अब अगर आप H1 लिखते हैं तो इसके साथ आपने लाइन को ब्रेक नहीं करना है, यानी कि लाइन को आपने वो नहीं करना है, यानी कि आप इसके साथ BR टैग का अगर यूज करें या ना करें, ये ऑटोमेटिकली सेकेंड लाइन की तरफ शफल हो जाता है। लेट सपोज अगर मैंने भी कोई एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखना है, अब वो तो मैं H1 टैग में नहीं यूज कर सकता, इसलिए मैं इसके लिए एक दूसरा टैग ले लूंगा जिसका नाम है P। P टैग असल में हमारे पास पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें हम किसी भी लार्ज डेटा को शो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक डमी डेटा डाल लेता हूँ, लॉरेम। ये हमारे पास एक डमी डेटा है, इसको मैंने डाल दिया। अब अगर इसको मैं सेव करूं और पेज को रिफ्रेश कर दूं तो मेरे साथ क्या होगा, पूरा का पूरा यहाँ पे मेरे पास शो हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरे पास पूरा का पूरा एक पैराग्राफ एंटर हो गया है। H1 का जो साइज था वो सबसे बड़ा था, H2 का फिर थोड़ा सा छोटा, H3 का फिर उससे छोटा, H4 एंड H6 सबसे छोटा। फिर हमने एक पैराग्राफ टैग लिया और उसको हमने शो भी किया। लेट सपोज अभी मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ टैग जो है ये मेरे पास कोड में तो रहे मगर हमारे पास वेब पेज पे शो ना हो,
तो आप लोग इसको क्या करना है, आप लोगों ने इसको कमेंट कर देना है। कमेंट कैसे करेंगे, आप लोग इसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, तो ये आपके पास कमेंट में चला गया। अब अगर इसको मैं सेव करता हूँ और अपने वेब ब्राउजर में इसको रिलोड करता हूँ, तो देखिए ये मुझे शो नहीं हो रहा है, ये नीचे नहीं आ रहे, बट हमारे साथ कोड में है। अब अगर इसको मैं दोबारा से अनकमेंट करना चाहूँ, तो आप लोगों ने सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, पहले इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद वही कंट्रोल क्वेश्चन मार्क को प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद आपने इसको सेव करना है, सेव करने के बाद अपने पेज को रिलोड कर देना है, तो ये आपके साथ ये पूरा का पूरा पैराग्राफ वापस आ गया। तो आज के इस लेक्चर में हमने सीखा कि हम लोग किस तरह एक हेडिंग्स को प्लेस कर सकते हैं, हमारे पास पैराग्राफ क्या होता है और उसको किस तरह हम एडिट कर सकते हैं और किस तरह हम उसको कमेंट कर सकते हैं। आप H6 को भी कमेंट कर सकते हैं, आप H5 को भी, H2 को भी, H1 को भी, आपकी मर्जी, आप जिसको कमेंट करना चाहें आप उसको कमेंट कर सकते हैं।